लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से त्रस्त जनता के लिए आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और सांसद करण सिंह यादव ने एक अनूठे तरीके से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बहरोड कस्बे के पुराने बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय पहुंचकर सांसद सहित अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता ऊंट गाड़ी पर बैठकर उन्होंने रैली निकाली, जिसमें बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इतना ही नहीं, बहरोड थाने के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। इसके पश्चात सांसद सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बहरोड उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सांसद डॉ. करण सिंह यादव ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने से जनता तंग आ चुकी है। गाँव में किसान ट्रैक्टर से खेती नहीं कर पा रहे और शहर में लोग गाड़ी चलाने से पहले चार बार सोचते हैं। वहीं डॉक्टर यादव ने बीजेपी सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की अपील के साथ बताया कि यदि सरकार दाम कम नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और सरकार की होगी। इस दौरान कांग्रेस नेता डॉक्टर आर सी यादव, बस्तीराम यादव, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव, ब्लॉक अध्यक्ष धर्मवीर आर्य सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता अत्याचार बहुत लंबे समय तक सहन करती है और अब समय आ गया जब हमको विरोध दर्ज कराना पड़ेगा। जिस समय पेट्रोल की कीमत विदेशी बाजार में एक बैरल $140 होती थी, उस वक्त भी हम 60 और 65 के अंदर डीजल और पेट्रोल बेचता करते थे। आज ये 70 से ऊपर चले गए, 80 के नज़दीक पहुंचने वाले हैं और सैकड़ा पार करने जाने वाले हैं और सरकार को कोई चिंता ही नहीं। डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो जब भी कभी विश्व मार्केट में कम हुए तब इन्होंने उठा करके उसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सरकार अपनी आमदनी बढ़ाई जा रही है और आम जनता का शोषण किया जा रही है, इसलिए कांग्रेस ने आज ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि ऊंट गाड़ी जो है वो कार को खींच करके लेके आ रही है। अब आम आदमी की क्षमताओं में कारें चलाना धीरे धीरे मुश्किल हो जाएगा। हर परिवार का जो है वो बजट है वो डगमगा गया। किसान ट्रैक्टर से खेती करते हैं, किसान डीजल से पंप सेट लगा करके पानी निकालते हैं, ट्रकों के अंदर भी गरीब लोग काम करते हैं और वो सारा का सारा मामला चौपट होता जा रहा है। बेकारी बढ़ती जा रही है देश के अंदर, इसलिए हमने ये आज धरना यहाँ पर किया है सरकार की आँख खोलने के लिए, कान खोलने के लिए। और बहुत शीघ्र अगर इन्होंने इनकी कीमतें वापस नहीं ली, कम नहीं की, राहत नहीं दी, तो हम बड़ा आंदोलन इस मुद्दे पर कांग्रेस करेंगे।